मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी सरकार श्री गाड़गे बाबा महाराज की विचारधारा के अनुसार काम कर रही है और उनकी जीवनी का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए और उनके काम को दुनिया भर में फैलाया जाना चाहिए, जिसके लिए राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। प्रबोधंकर ठाकरे द्वारा लिखित और संत गाड़गे महाराज मिशन द्वारा प्रकाशित श्री गाड़गे बाबा जीवनी के 10वें संस्करण का विमोचन समारोह सह्याद्री गेस्ट हाउस में संपन्न हुआ। उस समय मुख्यमंत्री बोल रहे थे। महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं गाड़गे महाराज मिशन के अध्यक्ष एड यशोमती ठाकुर, विधायक बलवंत वानखेड़े, पूर्व विधायक उल्लास पवार, इतिहास शोधकर्ता डॉक्टर मंजूश्री पवार, मिशन अध्यक्ष मधुसूदन मोहिते पाटिल आदि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि संत गाड़गे बाबा ने अंधविश्वास पर प्रहार कर सच्चे धर्म की शिक्षा दी। हमें जीवित धर्म और धर्म के संरक्षण के बीच के अंतर को समझना चाहिए। बाबा ने दुनिया को दिखाया कि धर्म जीने के लिए है। उन्होंने विभिन्न व्याख्यानों के माध्यम से जनता को ये संदेश दिया कि भूखे के लिए भोजन, प्यासों के लिए पानी, गरीबों के लिए शिक्षा के माध्यम से यही सच्चा धर्म है। उन्होंने कीर्तन के माध्यम से लोक शिक्षा प्रदान की। उन्होंने आगे कहा, मेरे दादा प्रबोधनकर द्वारा लिखित और मुख्यमंत्री के रूप में मेरे पिता बाला साहेब ठाकरे द्वारा कवर पर चित्रित इस जीवनी को प्रकाशित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रबोधंकर और संत गाड़गे बाबा के बीच एक अनोखा रिश्ता था। गाड़गे बाबा के भाषण ने लोगों को समाज में अवांछित प्रथाओं के खिलाफ जागरूक किया। उन्होंने न केवल कीर्तन किया बल्कि स्कूल भी बनवाए, भोजन की छतरियां शुरू की, धर्मशालाएं बनाई। महाराष्ट्र सरकार मिशन के सहयोग से गाड़गे बाबा के विचारों को आगे ले जाने के लिए नियमित सहयोग प्रदान करेगी।